टॉप 10 में आई है। ये तो सबसे पहले तो ये बधाई की पात्र है। ये प्री बोर्ड में भी प्रथम स्थान पे रही है। इसके लिए जहाँ जहाँ इस बच्ची ने मेहनत की है, मैं संतोष, हमारे स्टाफ ने भी भरपूर इसका सहयोग दिया है। इसके लिए हमारे टीचर सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रधानाचार्य श्री ओंकार वर्मा जी बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस बच्ची से प्रेरणा लेके और भी बच्चे इस जो बोर्ड की हमारी परीक्षाएं हैं इसमें टॉप 10 में पोजीशन हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। विलेज ऑफ ड्रीम संस्था के संस्थापक जगदीश टॉप 10 में रही संतोष कुमारी को 1 लाख का इनाम देंगे। संस्था के सदस्य विजय कुमार ने बताया कि विलेज ऑफ ड्रीम द्वारा तलाई दसलेड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल व डिग्री कॉलेज के चकमोह में पहले 10 स्थानों पर आने पर इनाम रखा था और वहीं अध्यापक वर्ग को भी हाईएस्ट सब्जेक्ट में 25,000 राशि देने की बात कही है। साइंस प्लस टू में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलाई की संतोष कुमारी ने प्रदेश बोर्ड द्वारा घोषित रिजल्ट में टॉप 10 में स्थान हासिल कर स्कूल व अपने गांव झबोला का नाम रोशन किया। साइंस में 500 में से 483 अंक लेकर बोर्ड में 10वां स्थान हासिल किया। उल्लेखनीय है कि जिला बिलासपुर में उपायुक्त विवेक भाटिया द्वारा प्री बोर्ड पेपरों की पहल की गई थी, जिसमें भी संतोष कुमारी ने जिला भर में टॉप कर पाठशाला का नाम बुलंदियों पर पहुंचाया था। संतोष कुमारी से बातचीत हुई तो उसने कहा, मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूं और बेहतर परिणाम के लिए अपने गुरुजनों और माता पिता को इसका श्रेय दिया। संतोष कुमारी को विलेज ऑफ ड्रीम संस्था की ओर से 1 लाख, प्रधानाचार्य द्वारा 10,000 अपनी ओर से व अध्यापक वर्ग द्वारा 5,000 राशि इनाम में दी जा रही है। उधर साथ लगते सीनियर सेकेंडरी स्कूल घरान के ज्योति देवी आर्ट्स में टॉप 10 में स्थान हासिल कर नाम रोशन किया है। ज्योति ने 469 अंक +2 आर्ट्स में हासिल किए हैं। मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि एचपी बोस के द्वारा जारी किए गए +2 के रिजल्ट में मैंने 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं अपने अध्यापकों, अभिभावकों और हर उस दर्शक को धन्यवाद देना चाहूँगी जो मेरी इस सफलता के लिए सहयोगी है। मैं अपने जीवन में साइंटिस्ट बनकर इस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं ये जो बच्ची हमारी टॉप 10 में जिसने स्टैंड किया, इसके लिए पूरे अपनी टीम को बधाई देता हूँ। बच्चों में टैलेंट तो होता है, लेकिन उस टैलेंट को निखारना, जैसे कि सरसों के बीज में तेल तो है लेकिन उसको मटेरियलाइज करना, उस टैलेंट को बाहर निकालना, सरसों के तेल की तरह उस टैलेंट को बाहर निकालने के बराबर है। बहुत अच्छा इसका परिणाम रहा, मेरिट में आई और ओवरऑल भी इस स्कूल का, हमारे तलाई स्कूल का रिजल्ट बहुत बेहतर है, जिसके लिए मैं इलाका वासियों को, बच्चों के पेरेंट्स को और सबसे बड़ा जिन साथियों ने टीचिंग का काम किया है उनके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और अपनी तरफ से इस बच्ची को, संतोष कुमारी जो मेरिट में आई है, 10,000 रुपये देने का ऐलान करता हूं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शाहतलाई से पवन कौशल की रिपोर्ट। इसका विषय है कि संतोष कुमारी ने इस स्कूल में जो साइंस ग्रुप का पेपर 12वीं का दिया, उसमें 10वां स्थान हासिल किया। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। जैसा कि आज ये साबित हो गया कि सरकारी स्कूलों में बच्चे रह के अपना नाम पूरे प्रदेश स्तर पर रोशन कर सकते हैं। मैं इस बच्ची को बधाई देता हूँ, अपने स्कूल के स्टाफ को बधाई देता हूँ। जैसे कि इस बच्ची ने 10वां स्थान हासिल किया, इसे बाकी बच्चों को भी एक प्रेरणा मिली। मैं कहता हूँ सभी बच्चों को एक सीख लेनी चाहिए कि जब ये बच्ची हमारी टॉप 10 में आ सकती है, बाकी बच्चे भी कम्पीट करें, उम्मीद करेंगे कि अगले वर्ष भी हमारे बच्चे टॉप 10 में आएं और आते ही रहें स्कूल से। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ।